मीठी दलिया। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में दो बहनें रहती थी। उनके नाम थे जेन और एला। जेन बड़ी बहन थी और वो बहुत होशियार थी, पर उसे अपने बुद्धिमता के बारे में बहुत घमंड था। वो अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझती थी और वो शहर के हर व्यक्ति पर नाक भौं सिकोड़ती थी। छोटी वाली एला बहुत ही दयालु लड़की थी और सबसे अच्छे से पेश आती थी, पर हालांकि वो बहुत प्यार करने वाली थी, वो बहुत ही जल्द भूल जाती थी। दोनों ही बहनों ने कभी भी अपने तरीकों को सुधारने की परवाह नहीं की और इसी के कारण उनमें हमेशा मतभेद रहता। अब जेन और एला बहुत गरीब थी। वो तकरीबन हमेशा हर रात भूखी सोती और वो खुशकिस्मत रहती अगर उन्हें थोड़ी सी डबल रोटी और पनीर खाने को मिल जाता। एक दिन एला मेज पर बैठी थी बाहर आकाश की ओर देखते हुए, जब अचानक उसका पेट बहुत जोर से गुड़गुड़ाने लगा। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कई दिनों से ठीक से खाया नहीं है और अब भी कुछ खाने को नहीं है। शायद मैं सैर के लिए बाहर जाऊं तो मैं भूल जाऊंगी कि मुझे भूख लगी है। तो बाहर जंगल में वो निकल गई टहलने के लिए। उसके पास एक पानी की सुराही के सिवा कुछ नहीं था। वो चलती गई चलती गई और जल्द ही उसे रुकना पड़ा क्योंकि वो थक गई थी। मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे प्यास भी लगी है, मुझे थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। पर जैसे ही वो पीने वाली थी, एक बूढ़ी औरत उसके सामने प्रकट हुई। उसने एक लंबा सा लिबादा पहना था और वो इतनी भयंकर लग रही थी कि एला भागने वाली थी कि मेरी बच्ची, क्या तुम मुझे कृपया थोड़ा पानी दोगी? मुझे बहुत प्यास लगी है और दो दिन से पानी नहीं पिया मैंने, दे दो पानी। बूढ़ी औरत बुरी तरह खांस रही थी। हालांकि वो बहुत भयंकर लग रही थी, एला को उस पर तरस आ गया और उसका कोमल हृदय झुक गया। बेशक, ये लीजिए, जितना आप चाहे पी लीजिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए काफी होगा। ओह, तुम कितनी दयालु हो। बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर, मैं तुम्हारी दया के लिए तुम्हें दाम चुकाना चाहूँगी। बिजली कौंधी और बूढ़ी औरत ने स्वयं को एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान जादूगरनी में बदल लिया। एला बहुत आश्चर्यचकित रह गई जो उसने देखा था। वाह! अब मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या मुराद है और मैं तुम्हें ये प्रदान करूंगी, चाहे ये कुछ भी हो। एला ने उसे वो सब कुछ बताया कि वो कितनी गरीब थी और कैसे उन्हें कई दिनों तक भूखे रहना पड़ता। तो ये बात है। ठीक है, फिर जब तुम घर जाओगी तो तुम अपनी मेज पर एक बर्तन रखा पाओगी। ये एक जादू का बर्तन है। जादू? हाँ, एक जादू का बर्तन। उसके आगे तुम्हें गाना पड़ेगा, पकाओ नन्हे बर्तन पकाओ, और वो जितना मीठा दलिया तुम चाहोगी वो तुम्हें पका के देगा। इस तरह तुम और तुम्हारी बहन कभी भूखे नहीं रहोगे। और जब तुम्हारा खाना हो जाए और तुम तृप्त हो जाओ तो कहो, रुको नन्हे बर्तन रुको, और वो पकाना बंद कर देगा। कितना कमाल का है, मैं तुरंत घर वापस जाऊंगी। रुको, तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें एक अंतिम बात बतानी होगी। इस जादू के बर्तन को हमेशा रखने के लिए तुम्हें इसे कमाना होगा। यदि तुम इसके योग्य होने के लिए कुछ भी नहीं करोगी तो ये तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएगा। ये शब्द याद रखना, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। समझी बच्ची? मैं याद रखूंगी। और धन्यवाद दयालु जादूगरनी, मैं इसी वक्त घर जाऊंगी। अच्छी सी खाना मेरी प्रिय एला। पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? पर जादूगरनी गायब हो गई थी और कहीं नजर नहीं आ रही थी। एला भी घर वापस आई और उसने उस बर्तन को अपनी मेज पर रखा और बिल्कुल वैसे ही पाया जैसे जादूगरनी ने बताया था। जेन उसी की तरफ देख रही थी। एला, क्या ये बर्तन तुम लाई हो? हाँ, मैं लाई हूँ। हूँ ना मैं कमाल? कमाल? कमाल तो वो होगा जब तुम कोई तरीका ढूंढो जब इस बर्तन में खाना डाल सको पकाने के लिए। जेन, तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये बर्तन जादू का है और ये हमेशा हमें खाना देता रहेगा। मेरी प्यारी बहन, क्योंकि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं जानती हूँ हमारे पेट बिल्कुल सिकुड़ रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग और भी ज्यादा सिकुड़ने लगा है। मैं तुम्हें ये साबित कर दूंगी। एला ने देगची की तरफ देखा और कहा, पकाओ ए बर्तन पकाओ।
जैसे ही एला ने अपना मंत्र खत्म किया, बर्तन उबलने लगा और गरम-गरम दलिया उफन कर बाहर आने लगा। जीन बहुत ही हैरान रह गई और एला ने खुश होकर देखा। एक ही क्षण में दलिया पक गया था और उसकी सुगंध पूरे कमरे में भर गई थी और इसने उन दोनों लड़कियों में पहले से भी ज्यादा भूख जगा दी और बेशक ये सबसे बढ़िया दलिया था जो आज तक उन्होंने कभी नहीं खाया था और इस तरह वो जी भर के खाती रहीं और फिर कभी भूखी नहीं रहीं और वो कभी इससे तंग नहीं आई क्योंकि वो बहुत ही स्वादिष्ट था। पर एक दिन एला ने बाहर जाने का फैसला किया। मुझे जाने से पहले जेन को वो मंत्र बताना होगा जिससे खाना बनना रुक जाएगा। ओह, पर मंत्र क्या था? ये क्या है? तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रही हो? खैर, कुछ जरूरी बात थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी। जरूरी बात? कौन सी जरूरी बात है जो तुम मुझे बता सकती हो? तुम बहुत बुरी हो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम वो बात ही भूल गई हो। मैं नहीं भूली, मैं जा रही हूँ। पर जब वो गई तो उसे वो मंत्र याद आ गया। ओह, अब मुझे याद आया। खैर, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह वो अच्छी तरह खा चुकी है, मुझे यकीन है कि उसे भूख नहीं लगेगी। पर कुछ देर के बाद जेन को भूख लगने लगी। मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो मजेदार दलिया खाऊं। एलाया नहीं है तो मैं पूरा अकेले ही खाऊंगी। वो बर्तन के पास गई और खुश होकर अपने हाथ से ताली बजाई। खुशी खुशी वो मंत्र पढ़ा, पकाओ नन्हे बर्तन, पकाओ। और अगले ही क्षण वो बर्तन गर्मा गर्म दलिया बनाने लगा जो जेन को बहुत पसंद था। उसने इसे ललचाकर सूंघा और एक बार जब वो पक गया तो उसने सारा खा लिया। आह, ये इतना स्वादिष्ट था। आह, अब मेरा पेट भर गया है। ओह, मेरे लिए बेहतर होगा कि बर्तन से पकवाना बंद कर दूं। उसके लिए वो मंत्र क्या था? पकाना बंद करो बर्तन। पर वो सही शब्द नहीं थे। एला ने जेन को कभी वो मंत्र नहीं बताए थे जिससे वो बर्तन पकाना बंद करता। ओ नहीं, मैं क्या करूं? बहुत हो गया, अब और दलिया नहीं। बंद करो ये मूर्ख दलिये के बर्तन। चाहे वो कुछ भी कहती रही, बर्तन उफानता रहा और ज्यादा मीठा गर्मा गर्म दलिया बनता रहा। बेचारी बर्तन पर चिल्लाती रही पर कुछ नहीं हुआ। कुछ देर बाद एला घर आई। मुझे यकीन है कि कुछ भी बुरा नहीं हुआ होगा। आखिर क्या नुकसान हो सकता है एक बेकार से मंत्र को भूलकर? ये क्या है जो दरवाजे के नीचे से निकल कर आ रहा है और मुझे दलिये की सुगंध आ रही है? एला खिड़की से देखने के लिए गई और क्या नजारा उसने देखा। पूरा घर भर गया था चिपचिपाते मीठे दलिये से। फूलदान और कुर्सियां उसमें तैर रही थी। ओह, कैसी तबाही है ये, और जेन कहाँ है? तभी उसने बेचारी जेन को एक मेज पर खड़े देखा जो धीरे धीरे गर्म उफाने दलिये में डूब रही थी। आह, मैं क्या करूं? एला घर क्यों नहीं आ रही? जेन, जेन मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ? एला, मेरी प्यारी बहन, कृपया जादू का मंत्र पढ़ो और इस भयानक बर्तन को रोको कि वो और ज्यादा दलिया न बनाए। रुक जाओ नन्हे बर्तन, रुक जाओ। और आखिर जादू के बर्तन ने उफानना बंद किया, उससे दलिया निकलना बंद हुआ। जेन और एला ने राहत की सांस ली। शुक्र है भगवान का ये हो गया, पर पूरा घर अभी भी इतना कबाड़ खाना बना हुआ है। मुझे क्षमा करना, सुबह मैं तुम्हें मंत्र बताना भूल गई। ये सब मेरी गलती है। नहीं, दोष मेरा भी है। मुझे पूछना चाहिए था और आज जो तुम कह रही थी उसे सुनना चाहिए था। मैं बहुत घमंडी और नीचता पर उतर आई थी। पर अब हम क्या करें जेन? हमारा घर तो दलिये से भर गया है और इसे साफ करने में कई दिन लग जाएंगे। जेन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, इस शहर में इतने गरीब लोग हैं, क्यों नहीं हम कुछ दलिया उन लोगों के साथ साझा करें? ओह हाँ, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगा गर्मा गर्म दलिया। और एला निकल गई गरीब और भूखे लोगों को उनके घरों और सड़कों से लाने के लिए। सुनो सब, तुम सबको देने के लिए हमारे पास स्वादिष्ट दलिया है। मुझे यकीन है कि तुम सबको वो बहुत पसंद आएगा। अपने प्याले और चम्मच ले लो और खाने के लिए आ जाओ। और सभी लोग आ गए आँखों में चमक लिए। जेन जब अंदर ही थी तो उसने प्याले भरे और एला ने सभी लोगों को दलिया परोसा। उन्होंने बहुत जोश से वो दलिया खाया। धन्यवाद एला और जेन,
मैंने 5 दिनों से कुछ नहीं खाया था। धन्यवाद एला और जीन। जल्द ही घर खाली हो गया। अब कहीं भी कोई दलिया नहीं था। जेन खिड़की से चढ़कर बाहर आई थी। अब वो उसके साथ खड़ी थी। सब लोगों के खुश चेहरे और दमकती मुस्कान देखकर एला और जेन को बहुत खुशी हुई। एला, बहुत अच्छा लगता है दूसरों की परवाह करना, है ना? मैं जानती हूँ, हमारे पास इतने दिनों तक इतना सारा दलिया था खाने के लिए, पर हमने इसे बिल्कुल भी बांट कर नहीं खाया। चलो गरीब और जरूरतमंदों के साथ ये दलिया बांट कर खाए। चलो हर दिन उन्हें खिलाए ताकि वो फिर कभी भूखे न रहे। तो हर दिन जेन और एला बाहर सड़कों पर निकलती और गरीब लोगों के घर जाती और उन्हें खिलाती ताज़ा गर्मा गर्म स्वादिष्ट दलिया। ये बहुत अरसे तक चलता रहा, जब तक कि एक दिन एक बूढ़ा भिखारी उनके पास नहीं आया। उसने फटे कपड़े पहने थे और एला और जेन ने उसकी तरफ देखा जब वो उनके पास आया। मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम मुझ पर दया करोगे और मुझे बर्तन दोगे जो ये दलिया बनाता है? मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे छोटे पोते पोतियाँ बीमार हैं। मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। क्या मैं इसे अपने साथ ले जाऊँ? हम क्या करें जेन? यदि ये बर्तन ले जाएगा तो हम फिर से भूखे रह जाएंगे। कोई बात नहीं, हमने जी भर कर खा लिया है और बच्चों के लिए और भी ज्यादा बदतर होगा यदि उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया तो। तो जेन बूढ़े भिखारी की तरफ मुड़ी और मुस्कुराई। आप अपने पोते को अच्छे से खिला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो बेहतर महसूस करेंगे इसे खाने के बाद। और तुरंत ही वो बूढ़ा भिखारी जादूगरनी में बदल गया। ओह, दलिया की जादूगरनी! मैं तुम दोनों से बहुत प्रभावित हुई हूँ। तुमने ख्याल करना सीख लिया है अपने से पहले, दूसरों के बारे में सोचना सीख लिया है। तुमने इस शहर के गरीब और भूखे लोगों की मदद की है। इसका मतलब ये है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि तुम दलिया का बर्तन रख सकती हो। तुम दोनों इसके योग्य हो। ये मीठा मीठा दलिया हर रोज, मजा आ जाएगा। इसके बाद भी एला और जेन ने हर दिन गरीबों और भूखों को खाना खिलाना जारी रखा। वो लोगों के चेहरे पर खुशी और मुस्कान देखकर बहुत खुश होती थी। बदले में इसके उन्हें बहुत खुशी मिली।